भारतीय किसान यूनियन अजगर के नाम से संगठन चला रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो रही है। और जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है, जब किसी नए आंदोलन और बड़ी रणनीति तैयार की जाती है, तो आप लोगों के द्वारा ये पता चलना चाहिए कि भाई तैयारी किस चीज़ की और किस तरह की तैयारी है। तो हम आगामी 7 तारीख को किसानों की समस्याओं के संबंध में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरवीर नागर जी के नेतृत्व में जेवर टोल प्लाजा पर एक धरना प्रदर्शन किसानों की मांगों को लेकर कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने ये उचित समझा कि क्यों ना आप लोगों के साथ में इस पर चर्चा होनी चाहिए। नरेश जी, क्या रणनीति है, क्या मांग है आपके संगठन? किसानों की जो मुख्य मांग है वो है अतिरिक्त प्रतिकर, 10% विकसित भूखंड। और अतिरिक्त प्रतिकर भी अभी तक जो संगठन मांग कर रहे हैं वो केवल अतिरिक्त प्रतिकर की मांग कर रहे हैं, परंतु भारतीय किसान यूनियन अजगर अतिरिक्त प्रतिकर ब्याज सहित इस मांग कर रहा है इसकी। और इसके अलावा जो किसानों की आबादियों के निस्तारण हैं, जो शिफ्टिंग होनी है किसानों की आबादी, उसके संबंध में वो मामले सब ऐसे ही लटके। हम ये मांग कर रहे हैं कि 29 अगस्त 2014 में कैबिनेट के शासन आदेश हुआ, कैबिनेट से माननीय राजेंद्र चौधरी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी। 29 अगस्त 2014 को ये शासन आदेश हुआ कि यमुना अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाले सभी किसानों को भी अतिरिक्त प्रतिकर मिलना चाहिए, और उसके आदेश में उनको मिलना भी शुरू हो गया था। 2014 से लेकर आज हम 2022 में बैठे हैं, लगभग 20-30% किसान ऐसे हैं जिनको आज भी 64% नहीं मिला है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से इस बात को उठाना चाहता हूँ, एक व्यक्ति को 2014 में पैसा मिल गया, एक व्यक्ति को 2022 में आज 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं मिला। इतना बड़ा समय अंतराल हो गया है कि जिसको 100 रुपये 2014 में मिलने थे उसको 100 रुपये 2022 में भी नहीं मिले, या 2022 में मिलेंगे तो कितना बड़ा अंतर आ जाएगा, उसका नुकसान कितना बड़ा। उस नुकसान की भरपाई के लिए हमारी ये मांग है कि उस किसान को ब्याज सहित वो पैसा मिले। लोगों ने जो किसान संगठन है उन्होंने जो आंदोलन किए हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, जिसकी वजह से वो मांगे पूरी नहीं हुई हैं। और जो कमी पूर्व में रही है वो कमी आगे ना हो, उसके लिए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। और उसमें हम ये भी बता देना चाहते हैं कि इस बार जो आंदोलन होगा वो झंडे डंडे के साथ में कलम की ताकत और कलम की लड़ाई के साथ भी होगा। हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जिला न्यायालय जहां भी हमें उचित लगेगा वहां हम इस लड़ाई को, इस आवाज़ को उठाएंगे और कोर्ट के और कागज़ के माध्यम से भी इस लड़ाई को मजबूत करने का कार्य करेंगे। जिससे नरेश जी, आपका जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन अजगर, इसका नाम कैसे पड़ा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये शुरुआत तो बहुत पुरानी है, चौधरी चरण सिंह जो देश के किसान नेता थे उन्होंने इसको नाम दिया। बहुत लंबे समय से ये संगठन चल रहा था, लेकिन हम लोग इस संगठन में अभी 2 महीने पहले ही जुड़े हैं और इसका नाम उन लोगों ने ही रखा है। और जो चौधरी चरण सिंह जी के वारिस हैं, जो उस कमेटी के नेता थे, ये इस सवाल का अच्छा जवाब वही लोग दे पाएंगे। बाकी हम लोग इसमें 2 महीने से जुड़े हैं और मैं तो केवल इतना समझता हूँ कि भ्रष्टाचार को अगर कोई निगल जाए तो वो अजगर ही हो सकता है। किसानों की सारी समस्याओं के लिए, क्षेत्रीय किसान, क्षेत्रीय मजदूर जो समस्याएं हैं, चाहे वो अथॉरिटी से हैं, चाहे वो बिजली विभाग से हैं, चाहे वो NPCL से हैं, चाहे वो कलेक्ट्रेट से हैं, चाहे वो ब्लॉक से हैं, चाहे कितनी भी सरकारी योजनाएं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जो आती हैं, जो धरातल पर नहीं उतरती हैं, जो कागजों में ही सिमट के रह जाती है, उन सब समस्याओं के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और उनके लिए काम करेंगे। इन सारी समस्याओं के लिए और भी संगठन है जो किसानों के संगठन है वो लगातार आवाज उठा रहे हैं, तो आप में और उनमें अंतर क्या समझे? देखिए, काम करने का हर व्यक्ति का अपना अलग तरीका है। वो लोग भी काम आवाज उठा रहे हैं, हम लोग भी आवाज उठा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते कि अगर वो आवाज उठा रहे तो हम ना उठाएं। अगर कोई क्रांति चल रही है उस क्रांति में कुछ लोग हिस्सेदार बने, ऐसा कहाँ है। ये तो सबके लिए स्वतंत्रता है, कोई भी उस क्रांति का हिस्सा बन सकता है। हम भी उस क्रांति का हिस्सा बने हैं, उसी के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। तो किसान ने जो जमीन दी वो अथॉरिटी को दी, डिस्प्यूट जो है वो बिल्डर का और अथॉरिटी का है, हमें बिल्डर से कुछ नहीं लेना देना। हमने जमीन दी है अथॉरिटी को और मुआवजा जो हम मांग रहे हैं, जो एडिशनल कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं, वो हम अथॉरिटी से कर रहे हैं। तो हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उनको बिल्डर देता है या नहीं देता है, उससे हमारा कोई दूर दूर तक भी इस बात से संबंध नहीं है। हम इसके लिए आंदोलन इसी के लिए तो किया जा रहा है कि जो कुछ किसान जो 20% 30% बचे हुए उनको मुआवजा नहीं दे रहे हैं, तो ये
उन किसानों के साथ जाती हो रही है प्राधिकरण के द्वारा, जो यहाँ के 20% किसान बच गए जिनको मुआवजा अभी तक नहीं मिला है और ना ही देने की कोई रूपरेखा बनती दिखाई दे रही है हम लोगों को अभी तक। नरेश जी, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने में कई गांव उठाए गए और लेकिन और बताया जा रहा है कि कई गांव और उठाए जाएंगे, तो लोगों में डर है, तो आप उनके लिए क्या काम करेंगे? देखिए, जो लोग ये चाहते हैं कि हमको ना उठाया जाए, उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि पहले जो गांव 6-7 गांव उठाए थे, उन लोगों को आश्वासन दिया था, क्षेत्रीय जो नेता भी हैं, हमारे MLA MP भी हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनसे भी उन्होंने भी आश्वासन दिया था। परंतु आप इस बात की ग्राउंड रिपोर्ट अगर जानेंगे तो वो लोग वास्तव में पीड़ित और परेशान हैं। उन लोगों को जो वायदे किए गए, उन वायदों पे ना सरकार खरी उतरी है, ना ही सरकार की अथॉरिटी खरी उतरी है, जिसके कारण जो आगामी आने वाले गांवों को उठाने की जो प्रक्रिया है, वो इसी बात से उनके बीच में, उनके मन में बहुत डर है कि जो पहले किसानों के साथ हुआ है, शायद वही चीज़ हमारे साथ ना दोहराई जाए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं और इसी बात पे वो अपनी सहमति भी नहीं दे रहे हैं। और रह जाती है बात हमारी उनको मदद करने की, सहमति देने की, उनकी हम किस प्रकार से मदद करेंगे, उसके लिए हमारी एक जो है कमेटी बन रही है, उसमें हम उनसे भी बात करेंगे, किसानों से भी और अथॉरिटी से भी बात करेंगे। जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कमेटी है, जो उसके CEO हैं, उनसे भी बात करेंगे कि भाई ये इस तरह की जो दिक्कत पैदा हो रही है, जो समस्या आ रही है, वो समस्या ना आए, उसके लिए हम उनके साथ मिलकर के आगे की रणनीति और काम करने का कार्य करेंगे।